India and WTO, World Trade Organization. पहले मैं आपको ये चैप्टर बिगिन करूं से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. ये चैप्टर 100% बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने कल IMF चैप्टर समझा था और उसमें समझा था कि उस चैप्टर में जनरली नो मे बी 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स जैसा आता है, जबकि WTO में 100% फुल लेंथ क्वेश्चन ही आता है. हो सकता है इसमें नो क्वेश्चन नंबर 5 के कॉन्सेप्ट में भी ये क्वेश्चन आ सके, राइट? सो इसीलिए चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इफ यू हैव एनी मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ी है या सुनाई नहीं दे रहा है, सो यू कैन आस्क मी थ्रू दिस चैट. नाउ टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, अगर हम WTO की बात करें, ये इस स्लाइड में आपको दिख रहे होंगे कि काफी काफी सारी जगह डार्क ब्लू कलर है. ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और वर्ल्ड के मैप में डार्क ब्लू कलर है. ये डार्क ब्लू कलर ये बताता है कि ये सारे कंट्रीज WTO के मेंबर हैं. जैसा IMF में नो कंट्रीज मेंबर हैं, वैसे ही WTO में भी ये सारे कंट्रीज मेंबर हैं. IMF और वर्ल्ड बैंक में ज्यादा कंट्री मेंबर होते हैं, WTO में रिलेटिवली कम है. एज ऑफ नाउ 2020 164 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन कल भी हमने डिस्कस किया था. कल हमने लेंथ में बातचीत नहीं की थी, आज उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. 1945 से एक जितना भी है ये शुरू होता है 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. व्हाट हैपेंड, जैसे जैसे दुनिया खत्म होने लगी, तबाह होने लगी, लोगों को समझ आने लगे कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो प्रोबेबली चीजें काम नहीं करेंगी, और इसीलिए ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ 1944 में. और 1944 में दुनिया के सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ तो भी स्टार्ट करना चाहिए और तभी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी. और उस समय उस मीटिंग में ब्रिटन वुड अग्रीमेंट ये मीटिंग हुआ था, और उस मीटिंग में 4 दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आए, ऐसी बातचीत हुई. वो कौन कौन से आए? IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IBRD, ये IBRD अब वर्ल्ड बैंक का पार्ट हो गया है. IBRD इज नो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अभी ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट हो गया है. स्टार्टिंग में इसको अलग से एग्जिस्टेंस मिला था. सिमिलरली वर्ल्ड बैंक, और चौथा ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. पर दुनिया में ये ITO जैसा कॉन्सेप्ट कभी आया ही नहीं. रीजन, US नहीं चाहता था कि ITO आए, इसीलिए ITO की जगह GATT आया, GATT. आप हेडिंग में देख रहे होंगे, GATT is General Agreement on Tariffs and Trade. Fine. So, GATT के आने से तब ये क्यों आया, GATT क्यों आया? क्योंकि US बिल्कुल नहीं चाहता था कि ITO आए. ITO में सारे कंट्रीज मेंबर होते और सब सौनो साथ सौनो विकास का कॉन्सेप्ट आता. बट देन US नेवर वॉन्टेड, US हमेशा चाहता था कि बस वो ही अकेला पावरफुल रहे. इस चैप्टर के टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस चैप्टर नो विल आल्सो कम टू नो अबाउट कि क्या ट्रेड वॉर है चल रहा जो चाइना और US, और ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये इसी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं. जब ब्रिटन वुड अग्रीमेंट हुआ तो वहां पे दो मेजर प्लेयर्स या दो लोग, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी कि भाई हमारी कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हो या हमारी कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हो. उसमें उनके नाम थे, एक था हैरी डेक्स्टर वाइट जो कि US के इकोनॉमिस्ट थे,
और दूसरे थे जॉन मिनार्ड केन्स, जे एम केन्स। केन्शियन थ्योरी आप लोग ने सेमेस्टर वन में ऑलरेडी पढ़ी होगी इफ यू रिमेम्बर, जो कि फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी के दाता है, जिन्होंने बोला भाई फिस्कल पॉलिसी ही बेस्ट पॉलिसी है, वो है जॉन मिनार्ड केन्स। जॉन मिनार्ड केन्स बहुत बहुत पॉपुलर थे, मगर क्योंकि ये यूके से थे और हैरी डेक्स्टर ये यूएस से थे और यूएस का बोल बाला था, इसीलिए हैरी डेक्स्टर वाइट का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया गया और जॉन मिनार्ड का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट किया ब्रेटन वुड अग्रीमेंट में। तो जितने भी अग्रीमेंट्स हुए या आगे चीजें बातचीत आई वो उसके ऊपर बेस्ड था, राइट? अब हम, क्योंकि हम भले चैप्टर WTO पे है, मगर WTO एग्जिस्टेंस में कब आया? 1995 में। और उससे पहले जो आया एग्जिस्टेंस में वो आया GATT, और GATT कब बॉर्न हुआ? GATT बॉर्न हुआ 1948 में। तो हम इस चैप्टर में पहले GATT के बारे में पढ़ेंगे और GATT के बारे में समझने के बाद वी विल स्विच ओवर टू WTO, क्योंकि GATT का ही एक्सटेंशन है WTO। अब हम आगे बढ़ते हैं कि GATT जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है क्या। एज सेड अर्लियर ये आया 1st जनवरी 1948 में। इसमें था क्या, जैसे कि IMF का हमने समझा, IMF का काम क्या था? IMF का काम था कि पूरी दुनिया में मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना, जिससे कि लोग ट्रेड कर सके। ट्रेड प्रमोट करने के लिए कौन आया? तो GATT आया। ITO नहीं आ पाया क्योंकि US नहीं चाहता था, तो ITO की जगह उन्होंने बोला कुछ दूसरा अग्रीमेंट, तो फिर बाद में GATT आया। GATT में बेसिकली है क्या? तो इट इज ट्रीटी अमंग नेशंस टू प्रमोट ट्रेड अमंग मेंबर्स। So, एक ट्रीटी साइन होती थी कंट्रीज के बीच में कि भाई तू मेरा दोस्त, तू मेरा मोस्ट फेवर्ड नेशन, तू मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त नहीं, और इस तरीके से वो लोग ट्रीटी साइन करते थे और उसके बेसिस पे वो लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या कितना रेस्ट्रिक्शन फ्री रखना है। रिमेम्बर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि कभी भी जब ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग में दो टाइप के बैरियर होते हैं, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब कि भाई हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें, हम रेस्ट्रिक्शंस लगा दें कि भाई तुम्हारा, अगर तुम्हारे कंट्री से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर 50% टैरिफ है या 30% टैरिफ है या 80% टैरिफ है, जिससे कि बाहर वाली प्रोडक्ट इंडिया में महंगी मिले। और दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में अगर आपको याद हो तो हम लोग बातचीत कर रहे हुए हैं कि भाई नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, कि भाई अगर से हमें यूएस से सामान मंगाना है और यूएस से सामान आने वाला है मेबी से 1000 kg, तो 1000 kg की जगह हमने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई एक महीने में सिर्फ से 500 kg ही आ सकता है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो कभी भी अगर ट्रेड को ओपन करना है तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ दोनों बैरियर से उसको मतलब छुट्टी दिलाना है या उसको फ्री करना है। तो GATT का काम ही ये था कि कंट्रीज में टैरिफ को कम करो, नॉन टैरिफ बैरियर को कम करो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ क्या कर सके, ट्रेड कर सके। सो इंटेंशन वॉज टू अचीव broad multilateral and free worldwide system। जब ये GATT साइन हुआ, ये अग्रीमेंट साइन हुआ 1948 में, उस समय 23 members थे। पूरी दुनिया एक साथ तब होता है ना, लोग समझते हैं कि तेल देखो, तेल की धार देखो और तब हम उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो इसीलिए बाकी लोग इन्वॉल्व नहीं हुए और दुनिया में सिर्फ 23 कंट्रीज थे जो इसमें इन्वॉल्व हुई। सो और इंडिया हमेशा से इसमें फाउंडर मेंबर रहा,
इंडिया वॉज ऑलवेज फाउंडर मेंबर. इसीलिए हम WTO की बात करें या GATT की बात करें या हम IMF की बात करें या वर्ल्ड बैंक की बात करें, हम हमेशा हर एक में प्रोएक्टिव रहे और हमेशा फाउंडर मेंबर कहलाते हैं. आप देख सकते हो कि 1948 में जब GATT आया था तब 23 कंट्रीज ही उसके अंदर मेंबर थे. 1944 आते आते 117 कंट्री मेंबर हो गए. 1995 में GATT की जगह आ गया WTO, और जैसे ही WTO आया तुरंत आप देखोगे कि नंबर की कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा अब उसके अंदर आने लग गए. इसका मतलब ये है, भले ही हम इसके बुरे साइड भी देखेंगे और अच्छे साइड भी देखेंगे, मगर GATT या WTO के आने से डेफिनेटली एक बात तो है कि इंटरनेशनल चीजें हुई हैं और लोगों का आना जाना, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का आना जाना, लोगों की इनकम में इंक्रीज होना, ये सारी चीजें GATT से हो पाई. आज की तारीख में अगर आप देखो तो मेंबर कंट्रीज दे अकाउंट फॉर 94% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. दुनिया का 94% वर्ल्ड ट्रेड कौन कंट्रीज करते हैं? तो वो कंट्रीज जो GATT WTO के मेंबर हैं. अब क्विकली एक बार ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ GATT वॉज टू एक्सपांड इंटरनेशनल ट्रेड बाई लिबरलाइजिंग ट्रेड so as to bring all round economic prosperity. दो मिनट आप मुझे दीजिए, मैं खाली देख रही हूं कि भाई सबके म्यूट हैं, सब सही जा रहा है. चलिए ओके नाउ फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि भाई टैरिफ को कम करो. जैसे हमने बातचीत किया ना, टैरिफ को कम करो, नॉन टैरिफ बैरियर को कम, दोनों ही टैरिफ बैरियर को भी कम करो. टैरिफ मतलब सिंपल भाषा में टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्स को भी कम करो और नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर यानी कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, उसको भी कम करो. बस ये इसका मेन मुद्दा था, तभी ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे. और इससे क्या फायदा मिलेगा? ऑब्वियसली तो इससे क्या होगा, सभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों को ऑब्वियसली ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज्यादा सामान खरीदने को मिलेगा, डिमांड इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी और सबके जेब में ज्यादा पैसा आएगा. ज्यादा पैसा आएगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. मोर ओवर इट ऑल्सो इंश्योर्स फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी ऑब्वियसली ज्यादा ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, साथ साथ में कंट्रीज के रिसोर्सेस भी अच्छे से यूज होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा और सब के सब बढ़ेंगे आगे. तो ये सब ये हुए कुछ GATT के ऑब्जेक्टिव. इन सारे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही GATT अप्लाई हुआ. चलिए तो ये अच्छा. अब GATT के टाइम पे जब GATT आया तो GATT के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे राउंड्स हो रहे थे. राउंड्स इसलिए हो, देखिए आप देख सकते हो कि GATT आया और GATT के आते आते 1947 GATT आया, एग्जिस्टेंस में आया, उससे पहले से राउंड शुरू हो गए ताकि उसके बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि भाई GATT कैसे आएगा और प्राइमा फेसी GATT कैसे आएगा और उसके अंदर क्या क्या चीजों को हम लोगों को इंक्लूड करना है. सो 1947 में पहला राउंड हुआ और 1993 में लास्ट राउंड हुआ, एथ राउंड. ये लास्ट राउंड इसलिए हुआ क्योंकि इस राउंड के बाद फिर बाद में WTO आ गए. अब पॉइंट ये है कि ये राउंड है क्या. राउंड मतलब ये होता है कि सारे कंट्रीज के मेंबर्स, अभी आप देखते हो ना G5 समिट, G10 समिट, G20 समिट, G means ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज समिट, या अभी SAARC समिट हुआ था, इस तरीके से जो सारे समिट होते हैं इसमें सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि भाई डेवलप्ड के लिए क्या, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या होना चाहिए, डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या होना चाहिए, सो ऑन सो फॉर. ठीक है, अब एक और चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा अच्छा एक और चीज मैं अभी पहले मैं आपको ये भी समझा दूं कि इस चैप्टर में तीन टाइप के क्वेश्चन पक्के से बनते हैं. पहला क्वेश्चन बनता है कि आ सकता है कि भाई डायरेक्टली अबाउट WTO लिखो. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर सारी जो भी हम स्लाइड्स
समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो सारी स्लाइड्स का पार्ट आप अपने हिसाब से याद करके उसमें मेंशन कर सकते हो, राइट। और एक और चीज मेरे से मिस हो गया कि मैंने कल की पीपीटीज आप लोगों को शेयर नहीं किए हैं। ये आज की आज का अपना सेशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद में कल का आईएमएफ की पीपीटी एंड आज के डब्ल्यूटीओ की पीपीटी आप लोग आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव से शेयर कर दूंगी, सो दैट इट कैन बी शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स एंड यू कैन गो थ्रू वंस अगेन। ओके, कमिंग बैक टू, ओके, अभी क्योंकि क्वेश्चंस की बात हो रही है तो मैं पहले क्वेश्चंस के बता दूं। सो एक तो शॉर्ट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई डब्ल्यूटीओ के ऊपर लिखो। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है, वो बनता है कि भाई मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में डिटेल में लिखो। ओके दी दुबा, हां हां ओके दी दुबा। हेलो, ये किसका किसका किसकी थ्रू डिस्टरबेंस हो रहा है? हेलो, लेट देयर नॉट बी एनी डिस्टर्बेंसेस नाउ फर्दर। चलिए, सो वी वर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट राइट अबाउट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड अंडर इन अग्रीमेंट का ढंग से रिव्यू करना, चेकिंग करना, ये डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। और जैसा हमने पहले बात की कि गैट जब तक था 1948 से लेके 1993-94 तक क्या चला, राउंड्स चले, राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड। पहले के पांच राउंड एक ही साल में खत्म हो जाते थे कुछ दिनों में, मगर बाद के राउंड सालों साल चलते रहे क्योंकि तब तक डेवलपिंग कंट्रीज भी उसके बारे में बातचीत करता था और अपने पॉइंट्स रखता था। तो जितने लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, जो ज्यादा ताकतवर होंगे, तो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट, अगर दो पार्टी ताकत वाली हो जाती है तो आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है। ऐसा ही हो रहा था कुछ डब्ल्यूटीओ के अंदर, ठीक है। अब डब्ल्यूटीओ में क्या हो गया, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस। अब हम आते हैं अपने सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैं अब दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। होप यू ऑल आर विद मी, फाइन, थिंग्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ पहले राउंड्स, सो अबाउट डब्ल्यूटीओ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस। सो अभी कुछ थोड़ी देर के बाद जब स्लाइड्स आएंगी वो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर आएंगी। पहले ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि कब कब ये मीटिंग हो राउंड्स में, मगर फिर जब 1995 में डब्ल्यूटीओ आया तो ये डिसाइड हो गया कि भाई हर दो साल में एक बार क्या होगा, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस। सो डायरेक्टेड बाय मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस विल मीट एटलीस्ट वंस इन टू इयर्स। सो ये डिसाइड हो गया कि भाई ये लोग एक दो साल में एक बार मिलेंगे ही मिलेंगे, सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव फॉरन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स मिलेंगे ताकि चीजों को कैसे सॉल्व करना है, डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीजें पता लग पाए। ये है जिनेवा में आईएमएफ का, सॉरी डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर। डब्ल्यूटीओ में एक चीज बहुत अच्छी रही कि इसके अंदर हर एक चीज को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। गैट के अंदर जो भी बात ढकी छुपी रहती थी, चीजें डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ज्यादा फेवर में था, डेवलपिंग के लिए बिल्कुल फेवर में नहीं था, ऐसे सब चीजों को अवॉइड करके डब्ल्यूटीओ में हर एक चीज ट्रांसपेरेंट कर दी। एंड डब्ल्यूटीओ इंश्योर्स दैट मेंबर कंट्रीज अग्री टू द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल अग्रीमेंट्स, नॉट जस्ट दोज दे लाइक। मेरे को जो पसंद है उसके लिए अग्रीमेंट में उतरू, ना पसंद है उसके लिए ना उतरू, ऐसा कोई लॉजिक डब्ल्यूटीओ में नहीं रहा। सभी लोगों को सब चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज आर अंडरटेकिंग ऑब्लिगेशंस टू ओपन देयर मार्केट एंड टू बी बाउंड बाय कॉमन रूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डब्ल्यूटीओ कि डब्ल्यूटीओ में टाइम ड्यूरेशन रखा गया, टाइम बाउंड का काम हुआ। ये थोड़ा सा टाइम बाउंड पे मुझे बात करना बनता है अभी। टाइम बाउंड मतलब ये, से सपोज एक कमजोर आदमी है, एग्जांपल लेते हैं, से सपोज एक कमजोर आदमी है और एक ताकतवर
आदमी है. तो ताकतवर आदमी को अगर और ग्रो करना है तो उसको कम टाइम, मे बी 2 महीना बहुत है, मगर एक कमजोर आदमी को ग्रो करना है उसके लिए 2 साल या 5 साल या 1 साल की टाइम लिमिट होनी चाहिए. ऐसी ही सोच के साथ कुछ WTO में डिसाइड हुआ और ये डिसाइड हुआ कि भाई कंट्रियों को रेस्ट्रिक्ट करा जाए. किस चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट करा जाए, किस चीज का टाइम बाउंड किया जाए? टाइम बाउंड इसके लिए किया जाए कि भाई इस टाइम के बाद से 2 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको ये सेक्टर को ओपन करना है. से सपोज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में डेयरी इंडस्ट्री को 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद ओपन करना है फॉरेन कंट्रीज को एंट्री के लिए, या मे बी पोल्ट्री बिजनेस को या फिशरीज को ओपन करना है, या मैन्युफैक्चरिंग में स्टील है, आयरन है, कोई भी प्रोडक्ट को XYZ, आपको इसके अंदर टाइम बाउंड दिया जाता है. WTO जब मीटिंग होती है तो भाई हाँ तुम डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री को बोलते हैं कि भाई तुमको 2 साल दिया, 2 साल के अंदर आप अपने चीजों को संभालो और आपको कंट्री को ओपन कर देना पड़ेगा. आपको कंट्री को टैरिफ बैरियर कम करना पड़ेगा, नॉन टैरिफ बैरियर ओपन करना पड़ेगा, मतलब टैरिफ को कम करना है, नॉन टैरिफ को कम कर देना है, तभी ही ट्रेड पॉसिबल है. सो ट्रेड के लिए ओपन करने के लिए उन्होंने टाइम बाउंड फिक्स किया. डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए जनरली उन्होंने 2 साल का टाइम दिया, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 6 साल 10 साल का टाइम दिया. इनफैक्ट भले उस समय उन्होंने बातचीत की, धीमे धीमे डेवलपिंग कंट्रीज का बोलबाला ज्यादा होता रहा, उन्होंने इस टाइम को आगे आगे खींचते चले गए. और क्योंकि आगे आगे खींचते चले गए, इसीलिए ये जो ट्रेड वॉर की मुसीबत आ रखी है वो उसका ही एक मेन रीजन है. आगे होप थिंग्स यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. सो अभी तक हमने ये समझा है कि भाई ब्रेटन वुड अग्रीमेंट हुआ था 1944 में, उसमें सोचा कि हम लड़ाई झगड़ा खत्म करके लेट अस यूनाइट, लेट अस कम टू सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड ऑफ ऑल द कंट्रीज. इसीलिए उसमें IMF आया, WTO GATT बना, वर्ल्ड बैंक बना और IBRD आया. और फिर GATT 1995 में GATT की जगह रिप्लेस हो गया GATT WTO से. और WTO में काफी सारे एडवांटेजेस हैं, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल. और एक और अच्छी बात थी कि WTO में सारे मेंबर परमानेंट मेंबर हैं और सभी चीजों के लिए लॉ यूनिफॉर्म, कोई भी हो लॉ यूनिफॉर्म है. मगर हाँ, रिलैक्सेशन के लिए डेवलप्ड कंट्री के लिए कम रिलैक्सेशन दिया गया, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया. जब WTO की मीटिंग हुई तो उस समय सिर्फ 2 ही कंट्री, नो, एक डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ही नाम हुआ. और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सारे डेवलपिंग कंट्रीज को उन्होंने समझा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है और इसलिए उनको बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए. आगे WTO में अगर कोई भी कंट्री वायोलेट करती है, रूल को फॉलो नहीं करती है, रूल तोड़ती है, इंडिया हम लोग कैसे करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, वैसे ही या सुप्रीम कोर्ट में उनके केस की सुनवाई होती है. तो वैसे ही WTO में क्या होता है, WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में फिर वो केस, वो कंट्री टू कंट्री, दो कंट्री मिलके फिर केस लड़ती रहती है कि कौन सच्चा कौन झूठा, और उसके बाद जो वो फिर डिसीजन वहां से आता है वो दोनों कंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ता है. ओके, नाउ अगर हम इंडिया की आज की बात करें, वैसे मैंने आपको बताया नो नॉट 17 नो जो डिस्प्यूट है इंडिया, बहुत सारे केसेस में बाहर की कंट्रीज इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रही है. और जो एलिगेशन लगा रही है वो एलिगेशन कौन कौन से एरिया में आ रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में,
सोलार सेल्स में, आयरन आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर में कि हम अपने हम अपने कंट्री के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा छूट छाट देते हैं, बहुत टैक्स हॉलीडे देते हैं, ऐसा फॉरेन कंट्री हमारे पे एलिगेशन लगा रही है. शुगर इंडस्ट्री में, शुगर केन में से कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी वाले एरिया में, ऐसे सारे एरिया में हमारे ऊपर 18 से ज्यादा डिस्प्यूट हमारे चल रहे हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और हम उसको वहां पे हमारी हमारे केसेस की सुनवाई चल रही है और हम लोग वो केस लड़ रहे हैं. और उसमें से ही एक दो साल पहले ही अभी नया केस जो आया है 2017-18 में, वो आया है कि भाई इंडिया इम्पोजिंग हायर ड्यूटीज ऑन 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स इज लेटेस्ट टू बी एडेड इन दिस लिस्ट. अमेरिका ट्रंप को आपको पता ही है ट्रंप का दिमाग कैसा है. ट्रंप ने हमारे पर जबरदस्त एलिगेशन लगाया है कि हम अमेरिका से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, ऐसे 28 प्रोडक्ट में हमने इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लगा रखी है. तो वो बोल रहे हैं इंडिया को और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि इंडिया को बोलो कि इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करो. ओके, नाउ हियर आर इज द लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ WTO. तो WTO का काम क्या है? टू सुपरवाइज ऑन रेगुलर बेसिस द ऑपरेशंस of revised agreement and ministerial declarations related to goods, services and trips. No? Goods, ye, से जो agreement है, no? Agreement अलग अलग टाइप के, मैं बार बार बता रही हूँ, ये पीछे की स्लाइड में आएगा भी. No? Agreement किस कैसे हैं, जैसे कि नो goods related, जो भी फिजिकल प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड अग्रीमेंट है, सर्विसेज के रिलेटेड अग्रीमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड अग्रीमेंट है, या इन्वेस्टमेंट मेजर्स के रिलेटेड अग्रीमेंट है. तो ये सारे चीजों को रेगुलर बेसिस पे कैसे देखेंगे? मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, जो कि दो साल में एक बार वो लोग मिलते हैं. दूसरा WTO इट ऑल्सो एक्टिंग एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. में से मैंने बताया ना, जैसे इंडिया में हमारा सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी, केस सॉल्व करने की अथॉरिटी क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट. वैसे ही WTO में क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो कि ट्रेड को रिव्यू, और उनके बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना रखा है, बहुत सिस्टमैटिक मैकेनिज्म है, जहां पे वो सारे ट्रेड रिव्यू, ट्रेड जो भी कंट्रीज के ट्रेड है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या अच्छी चीजें हैं, उसको वो अच्छे से डिस्कस करते हैं. अगर हम WTO के मेन की बात कर लें, तो WTO के मेन वो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर जनरल कहलाते हैं, और WTO के जो भी मेन है वो है रॉबर्ट एस्टो, जो कि 2013 से पोजीशन पे हैं. और उनके अलावा उनसे पहले कौन कौन थे, ये पूरी इसकी लिस्ट है. अब थोड़ा सा रॉबर्टो के बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं. जो रॉबर्टो हैं, ये 2013 से अभी हैं इसके केस में, और ये ही पूरा अच्छे से संभालते हैं. इनका काम बेसिकली क्या है? तो इनका काम है बेसिकली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ WTO और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस को हेल्ड करना, उनको चेयर करना इनका काम है. WTO के जो डायरेक्टर जनरल है उनके अंदर भी काफी सारा एक अच्छा खासा स्टाफ होता है, और वो स्टाफ की मदद से सारे कंट्रीज के कनेक्शन के साथ वो लोग चीजों को संभालते हैं. ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ WTO. सो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आप देखोगे तीन बेसिक पॉइंट एरियाज हैं. डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी कि WTO का सुप्रीम कोर्ट, जहां पे लड़ाई झगड़े सॉल्व किए जाते हैं कंट्रीज के. उसके अलावा जनरल काउंसिल, जो कि डिसाइड करता है कि भाई कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं. और तीसरा है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो कि ट्रेड्स में कौन कौन से ट्रेड में क्या क्या छूट छाट दी जाए, इन सब चीजों पे काम करती है. डिस्प्यूट सेटलमेंट जनरल काउंसिल में आप देख सकते हो कि अलग अलग एरियाज के उन्होंने रखे हुए हैं. तो ये है WTO का स्ट्रक्चर. ये आपको स्लाइड इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होगी, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट देन
यहाँ ये स्लाइड में रखने का रीजन ये है कि आपको पता लगेगा कि नो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जनरल काउंसिल है एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है, उसके अंदर अलग अलग अग्रीमेंट से अग्रीमेंट ऑन गुड्स, अग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ऐसे सारे बहुत सारे अग्रीमेंट हैं जो कि जनरल काउंसिल संभालती है और उसके अंदर चेंजेस करती है। भले ही दुनिया कितनी आगे बढ़े या कुछ भी करे, बट हमेशा कुछ कंट्रीज अपोज करने वाली होती हैं। अभी जैसे कि कोरोना का भी केस देखो ना, इस पेंडेमिक में इंडिया में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, पूरे अच्छे से लगी और रखी है कि भाई हाँ हमें संभालना है, इस चीज को कर्व करना है। बट कुछ लोग होते हैं कि जो इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं और अपोज करते हैं, तो ऐसे अपोजिशन हमेशा रहते हैं। वैसे ही आप ये प्रोग्राम में देखोगे नो, ह्यूमन राइट वाले WTO की बैंड बजा रहे हैं या एनवायरमेंटलिस्ट WTO की बैंड बजा रहे हैं या बोल रहे हैं भाई लो वेजेस है। तो ये कुछ कुछ लोग हैं जो कि WTO चाहते हैं कि उनकी दिमाग में ऐसा है कि WTO सही नहीं है। मगर अगर ऐसा होता, WTO सही नहीं है, तो क्या होता कि हेलो, हाँ ये टाइम अप हो गया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। हेलो, यस मैम, हाँ टाइम मार्केटिंग का शुरू हो गया है। आई नो, हाँ मुझे लग रहा है, हाँ आई नो अभी मैंने जस्ट टाइम देखा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि टाइम मैम मैंने आपको व्हाट्सएप में चैट किया था। अच्छा, आपने मुझे शेयर किया, ओके कोई बात नहीं। सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर अ डे एंड विल कंटिन्यू लेटर। आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर डिस्कसिंग, राइट? Yes, 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 yes. Okay, okay, yes. Chalo. Thank you, yes, all. Yes, goodbye. Yes, join the next break. Yeah, sure. Yeah. No, sir. Okay. Yeah. Okay. Goodbye. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you.